हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 व्याकरण। व्याकरण में शब्द, आप जानते हैं कि निश्चित अर्थ की प्रतीति करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण बाराक्षरी ककावारी कख ग च छ ज। शब्द दो प्रकार के हैं, मूल और व्युत्पन्न। मूल शब्द को रूट शब्द भी कहा जाता है, जैसे घर, किताब, बस, जल आदि। मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ने से बने शब्द को व्युत्पन्न शब्द कहा जाता है। व्युत्पन्न शब्द को यौगिक तथा जोगरूट दो भागों में बांटा जाता है। जोगरूट शब्दों का अर्थ उनकी रचना के बजाय किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाता है, जैसे पंकज, नीरज, जलज। इन तीनों शब्द का अर्थ होता है कमल। यहाँ पंकज का अर्थ है पंख, कीचड़। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल के लिए रूढ़ हो गया है। पंख में उत्पन्न होने अन्य सूक्ष्म जीव जंतुओं से इसका कोई संबंध नहीं है। हिंदी शब्द भंडार में अधिकांश मूल शब्द संस्कृत परंपरा से आते हैं। संस्कृत से हिंदी में आए शब्द दो प्रकार के हैं, एक तत्सम शब्द और दो तद्भव शब्द। तत्सम शब्द तत्सम तत् वतासम। तत्सम का अर्थ है उसके, उसके संस्कृत के जैसा अर्थ। जिन हिंदी शब्दों को संस्कृत में उसी अर्थ में और स्वरूप में स्वीकार कर लिया गया है, वे तत्सम शब्द हैं, जैसे भूमि, पुष्प, ममता, साहस आदि। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न करें। वास्तव में संस्कृत के वे शब्द जो विकास क्रम में पाली, प्राकृत और से अम्ब्रस विकसित होकर अपने परिवृत रूप में प्रचलित हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे माता, मातृ, दुग्ध, दूध, काम, कर्म, पता, पत्र इत्यादि। देशज, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रचलित हैं जिनके मूल का स्पष्ट पता नहीं चलता, वे प्राय जन भाषा से आए हुए। इनके मूल का वैज्ञानिक अनुमान लगाना प्राय संभव नहीं है। इन्हें देशज, देश यानी स्थान विशेष से उत्पन्न कहा जाता है, जैसे पगड़ी, खाट, जार, झंझट, बोपू इत्यादि। हिंदी शब्दों का एक बड़ा वर्ग आगत यानी विदेशी शब्दों का है। अपने विकास यात्रा में हिंदी ने अरबी, फारसी, तुर्की तथा यूरोपीय भाषाओं, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जर्मनी आदि के शब्दों को किंचित परिवर्तन के साथ आत्मसात किया है। इन शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी अदालत, अल्लाह, आईना, इम्तिहान, औरत, कसम, कसाई, किताब, कुर्सी, फसल, दवा, फकीर, मरीज, हवा, शतरंज, शैतान, हुक्म आदि। फारसी आदमी, आसमान, कमरा, कारीगर, गुब्बारा, जमीन, गुलाब, चिलम, जंजीर, जहर, जानवर, तराजू, दरवाजा, दिमाग, दूरबीन, व्याज, फौज, बदमाश, बीमा, मसाला, मैच, मेहमान, शादी, शायरी, सब्जी, सरकार इत्यादि। तुर्की कुली, कैंची, कुर्ता, चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम इत्यादि। अंग्रेजी इंजन, एकर, कंपनी, कार, कॉलेज, कॉलोनी, कोर्ट, क्रिकेट, क्लब, गैस, गाउन, चॉकलेट, जेल, टाइप, पाइप, प्लेट, फुटबॉल, प्लेटफॉर्म, फ्रॉक, बजट, बूट, मीटर, लॉटरी, सूटकेस, स्कूटर, स्टेशन, हीटर इत्यादि। पुर्तगाली आया, आल्पिन, गमला, चाबी, तोलिया, नीलाम, बाल्टी, मिस्त्री, संतरा, साबुन इत्यादि।
अन्य भाषाओं से मेघ, स्पुतनिक, ल्यूना, रूसी, चाय, चीनी इत्यादि। संकर शब्द दो भिन्न स्रोत से आए शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी रेल अंग्रेजी, वता गाड़ी हिंदी। छायादार छाया संस्कृत, वता दार फारसी। सिलबंद सिल अंग्रेजी, वता बंद फारसी आदि। इस प्रकार हिंदी शब्द भंडार को इतिहास या स्रोत की दृष्टि से पांच भाग, एक तत्सम, दो तद्भव, तीन देशज, चार आगत या विदेशी तथा संकर शब्दों में बांटा जा सकता है। शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर वर्गीकरण। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है, रूट मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द। रूट मूल शब्द, जो शब्द अपने आप में पूर्ण हो तथा उसमें किसी शब्द या शब्दांश का योग न हुआ हो उनको रूट या मूल शब्द कहते हैं। जो शब्द खंडों में विभक्त नहीं किए जा सकते उनको रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे तराजू मुख, हाथ, काम, पैर आदि। ये शब्द दूसरों के योग से नहीं बने हैं, यदि इन शब्दों को विभक्त किया जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे त वता रा वता जू, मु वता ख, हा वता थ, का वता म, पै वता र। व्युत्पन्न शब्द, जो शब्द किसी शब्द या शब्दांश उपसर्ग या प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं उनको व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। उपसर्ग तो शब्द से आगे जिसे लगाया जाता है और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगाया जाता है, जैसे निष्पक्ष, देखकर, प्रमाण पत्र, कमबख्त आदि व्युत्पन्न शब्द हैं। व्युत्पन्न शब्द दो प्रकार के हैं, क यौगिक, ख योग रूप। यौगिक शब्द, यौगिक अर्थात जो शब्द किसी मूल शब्द में किसी अन्य शब्द या शब्दांश शब्दांश उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। शब्द वता शब्द, न्यायालय न्याय वता आलय, शब्द वता शब्द। विद्यालय विद्या वता आलय, शब्द वता शब्द। शब्द वता शब्दांश, देखकर देखना वता कर शब्दांश, पकड़कर पकड़ना वता कर शब्द वता शब्दांश। शब्दांश वता शब्द, निर्बलता नी वता बलता शब्दांश वता शब्द। लावारिस ला वता वारिस शब्दांश वता शब्द। ख
योग रूढ़ शब्द, जो शब्द योगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंक वताज, पंक में उत्पन्न होने वाला, इस सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अत पंकज युगारूढ़ शब्द है। इसी प्रकार जलज, सर्जिस, मनोज, दशानंद, चतुरानंद, श्वेतांबर, लंबोदर आदि भी योगरूढ़ शब्द हैं। दोस्तों, ये शब्द का पहला भाग था। उसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और इसको समझने का प्रयत्न कीजिए।